स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। ये मेरे पास ओनिडा कंपनी का माइक्रोवेव है। तो आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम जो आम किसी भी कंपनी के माइक्रोवेव में आती है वो डिस्कस करूँगा। ये आपके सामने भी पावर कनेक्ट की है तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया इसमें। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो ज़्यादातर फ्यूज़ की आती है, जिसका जो मेन फ्यूज़ होता है वो डैमेज हो जाता है। तो अभी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा एक बार। ये मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर दो और इसकी जो कंटिन्यूटी चेक करके देख लेते हैं एक बार। ये देखो बिल्कुल बीप नहीं दे रहा, इट मीन्स जो वेव का मेन फ्यूज़ है वो डैमेज हो गया है। तो इसे हम रिप्लेस करेंगे। ये देखो ख़राब हो चुका है। तो ये वाला न्यू फ्यूज़ रिप्लेस कर दूंगा। तो इसके बाद चेक करके देख लेते हैं एक बार। तो फ्यूज़ लगाने के बाद अभी पावर देके देखते हैं। ये देखो फ्यूज़ लगाने के बाद ये ऑन हो गया। पहले डिस्प्ले बिल्कुल ऑन नहीं हो रही थी, तो अब इसकी जो डिस्प्ले है ऑन हो गई है। तो चेक करके देख लेते हैं एक बार इसमें जो प्लास्टिक का यूटेंसिल यूज़ किया है मैंने। और इसका टाइमर सेट करके देखते हैं हीट करता है या नहीं। ये 30 सेकंड का मैंने टाइम लगाया है और चेक कर लेते हैं इसकी जो हीटिंग है वो सही है या नहीं है। जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी वो तो मेन फ्यूज़ की थी, और इसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम आती है वो हीटिंग की आती है, हीट नहीं करता। चलो देखते हैं एक बार। ये टाइम लगाया है लेकिन इसके बाद ये देखो पानी ठंडा है, हीट नहीं किया इसने बिल्कुल भी, पानी बिल्कुल ठंडा है। तो इट मीन्स इसमें प्रॉब्लम है, अभी हीट नहीं कर रहा। तो जो हीट ना करने की दोस्तों दो तीन प्रॉब्लम हो सकती है। जो मेन प्रॉब्लम हो जाती है वो कैपेसिटर की, या फिर इसका जो मैग्नेट्रॉन है, ये कैपेसिटर है ये वाला, और एक इसके साथ फ्यूज़ लगा होता है कनेक्ट। ये देखो ये मैंने कैपेसिटर निकाला है बाहर। जो इसकी रेटिंग रहती है मोस्टली 1 माइक्रोफैराड की रहती है और 21 वोल्ट तक का कैपेसिटर होता है ये वाला। तो चलो मेरे पास न्यू वाला कैपेसिटर है और जो इसके बीच में से निकाला है वो वाला है। तो अभी मल्टीमीटर से मैं आपको थोड़ा सा इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू आती है वो चेक करके बताऊंगा। जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ये न्यू वाला कैपेसिटर है। ये चेक कर रहा हूँ मैं, और ये देखो ये बीप शो कर रहा है, इट मीन्स ये हमारा जो कैपेसिटर है शॉर्ट हो चुका है। अभी न्यू वाला टेस्ट करके बताऊँगा। ये देखो इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही, बिल्कुल 1 पे है, 0 है। इट मीन्स जो न्यू वाले कैपेसिटर की वैल्यू है बिल्कुल 0 है, मीन्स बीप नहीं दे रहा। तो कैपेसिटर मैंने रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद जो प्रॉब्लम हो सकती है वो मैग्नेट्रॉन की हो सकती है। एक बार मैग्नेट्रॉन को चेक करने का तरीका ये है, आप कंटिन्यूटी पे सेट करके और इसको ये देखो ये बीप देगा। ये देखो अगर बीप दे रहा है इट मीन्स हमारा मैग्नेट्रॉन सही है, जो करंट पास हो रहा है इसके बीच में से। अगर बीप ना आए तो मैग्नेट्रॉन में फॉल्ट हो सकता है। तो मैग्नेट्रॉन को भी चेक करने का यही तरीका है कंटिन्यूटी पे सेट करके। तो प्रॉब्लम आई थी हमारी जो कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर रिप्लेस कर दिया है मैंने। बहुत ही कम चांस होते हैं अगर ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हो सकता है।
तो चलो एक बार पावर दे के देखते हैं। डिस्प्ले ऑन होगी इसकी, और ये मैंने पानी रख दिया है इसके भी, तो 30 सेकंड का टाइम लगा के देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों प्रॉब्लम यही मेन प्रॉब्लम आती है जो दो तीन है, फ्यूज़ की प्रॉब्लम आ सकती है, मैग्नेट्रॉन की आ सकती है, और कैपेसिटर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो यही दो तीन चीज़ें देखने वाली होती है किसी भी माइक्रोवेव में जिसमें फॉल्ट हो सकता है। ये देखो पानी गर्म हो चुका है आपके सामने, इट मीन्स जो प्रॉब्लम आई थी वो कैपेसिटर की आई थी और कैपेसिटर हमने चेंज कर दिया। तो यही थी आज की मेरी वीडियो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।